हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही डिलीशियस है खाने में और बनाने में भी आसान है। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, यानी कि मसाला इसमें ज़्यादा होता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए आइए देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। फ्रेंड्स, आज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये हमारा चिकन है 500 ग्राम के करीब। ये प्याज है हमारी, ये देखिए हमने प्याज तल ली है अपनी। तीन प्याज है हमारी मीडियम साइज की, हमने बारीक काट के इसको फ्राई कर लिया है। ये दही है हमारे पास 100-150 ग्राम के करीब है। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, जीरा पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है। हल्दी आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो तो डालो या नहीं। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच के करीब। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने कढ़ाई ले ली है अपनी, इसमें हमने ऑयल डाल लिया है 100 ग्राम के करीब। ये हमारे पास कुछ सूखे मसाले हैं, 4-5 सफ़ेद इलायची है, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची है, 4 लौंग है हमारे पास, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 2 हमारे पास, एक तेज पत्ता जिसके 2 टुकड़े कर लिए। तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे मसाले इसमें डाल के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना गोश्त डालेंगे। चिकन का फ्राई करेंगे। देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको हल्का हल्का चलाएंगे, इसको डाल के भी भूनेंगे। देखिए ये हमारा अच्छे से भून रहा है। फ्रेंड्स, हम अदरक लहसुन के पेस्ट से पहले नमक डालते हैं, मैं आपको बताना भूल गए थे। तो हम नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, यानी कि आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, इसको चला देंगे। अच्छे से भून रहा है अदरक लहसुन के साथ हमारा ये भून चुका है। हम इसमें दही शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसको भूनेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। दही के साथ 2 से 3 मिनट भूनते हुए ये जो हमारे पास मसाले हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे, इसको चलाएंगे। इसमें हल्दी डाल भी सकते हो या नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे कोरमे का। अब इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हम। आधा कप के करीब हमने इसमें पानी डाला है। अब इसको भूनेंगे अच्छे से। जो हमारे पास ये है ड्राई फ्रूट, नारियल का बुरादा और ये मगज, काजू और ये 3 हमारे पास बादाम है, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए कोरमा बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। जो हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे, काजू, बादाम और नारियल, ये हमने पीस लिया है। ये इसमें हम डाल देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छा चिकन बनता है, इसको हम बादामी चिकन भी बोलते हैं। आप हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएगी। ये बादामी कोरमा है हमारा। हमारे पास जो प्याज है उसको हम इस तरह से बारीक बारीक कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रही है। देखिए हम इसको इस तरह से बारीक कर लेंगे। इसको मिक्सी में नहीं पीसना है हमें,
इस तरह से हाथ से मसल के प्याज डालते हैं तो बहुत अच्छा कोरमे का कलर और दानेदार कोरमा होता है। ये देखिए हमने प्याज बारीक कर ली है, देखिए हमारे कोरमे का बहुत अच्छा कलर आया है और ये पक चुका है। अब हम इसमें जो हमारे पास प्याज है तली हुई उसको डालेंगे, ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज के साथ हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये देखिए इतना पिसा हुआ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। पानी हम अपना गरम डालेंगे, इसे ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे। और इसको इस तरह मिक्स करके ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये पक चुका है। हम इसको दम पे रख देंगे, हमें इतनी ही थिक ग्रेवी चाहिए इसकी। अब हम इसको गैस कम करके और दम पे रखते हैं 5 मिनट के लिए, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ढक देंगे, देखिए कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसको। ये हमारा बादामी कोरमा बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा है और बनाने में बहुत इजी है। मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर